सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रो चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि रोजाना अपनी फिर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो है इस बोर्ड के ऊपर। आप देख सकते हैं कई सारा बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है फ़िलहाल, तो सारे बोर्ड को आप देख लीजिए। पहले तो आते हैं इस ड्राइवर बोर्ड के ऊपर और ये सारा सामान का टेस्टिंग भी होगा अभी इसी वीडियो में। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ड्राइवर बोर्ड हमारा आप देख सकते हैं, ये 2200 वाट 2 ओम्स पर आउटपुट कर सकता है। आप देख सकते हैं कई सारा क्वालिटी जो है 70 माइक्रोन का पीसीबी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये इसके ऊपर हाथ लगाने से ही पता चलता है ये कौन सा पीसीबी है। इसका फॉयल इतना आसानी से कटता नहीं है, सामान जितने बार उठाओ लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ज़ोबल नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सारा कनेक्टर वगैरह लगा दिया गया है और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो सब 1% का रेजिस्टेंस लगाया गया है इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी सारा अच्छी क्वालिटी के सामान यूज़ किया गया है। ट्रांजिस्टर जो है वो भी आप देख सकते हैं 4792 लगाया गया है यहाँ पर, छोटा मॉडल में है। आप इस बोर्ड के अंदर देख सकते हैं ये भी वही सेम मॉडल के अंदर है। ठीक है, तो इस बोर्ड को चलिए हम पूरा सामान को सेट करके चेक कर लेते हैं क्या बात है क्या नहीं। उसके बाद आते हैं ये मॉड्यूल, तो आप देख लिए हैं, देखिए कितने शानदार मॉड्यूल बना है। ठीक है, यहाँ पर सब कनेक्टर लगने वाला है, कहाँ पर कैसे लगेगा सब मार्किंग किया हुआ है, आप इसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये पावर सप्लाई, आप इसे एक बार देख लीजिए, ये कुरियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा डिमांड है इस बोर्ड का। ठीक है, फ्यूज़ सारा इसके अंदर लगा है, 10 एम्पियर का फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है सब यहाँ पर भी। और यह इस सेक्शन सॉफ्ट स्टार्टर सेक्शन है और ये मेन आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ से इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये 70070 से 75075 ट्रांसफार्मर के लिए सूटेबल है। यहाँ पर 10000 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट दिया गया है जूंजल के अंदर, ओरिजिनल जूंजल है। ठीक है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कैपेसिटर का जो है वैल्यू भी चेंज होता है, कंपनी भी चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 15015 प्लस माइनस आउटपुट निकालने के लिए यह जगह दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 12 आउटपुट, और यहाँ से आपको आउटपुट इनपुट करना पड़ेगा 12 या फिर 15015 इनपुट करना पड़ेगा एसी। यहाँ से डीसी आउटपुट आएगा 12012। ठीक है, और यहाँ से आपको आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से डीसी आएगा आपको 15015 इस रेगुलेटर रजिस्टर के थ्रू। तो चलिए वीडियो की टेस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप सारी चीज़ जो है हमारी इस सारी चीज़ को पहले ठीक से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो पहले आपको दिखा देता हूँ, ये है इनपुट कनेक्शन, आपको पता ही होगा ये है इनपुट कनेक्शन। ठीक है, ऑडियो इनपुट, और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड, और यहाँ पर सारा कनेक्टर लगा हुआ है वोल्टेज का, स्पीकर आउटपुट का वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई है। ठीक है, और ये हमारा 70070 का ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से जो डीसी वोल्ट आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 170-180 के करीब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड को मैंने छोड़ दिया ताकि आपको पूरा पता लगे, देखिए 170-180 के करीब आ रहा है ये। ठीक है, तो ये रहा सॉफ्ट स्टार्टर, ये पूरा एम्पलीफायर के अंदर लाइन दे चुका है हम, तो फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर जो है कैसे काम करता है। ठीक है, लाइन दिया हुआ है, अब मैं लाइन खोल देता हूँ। ठीक है, देखिए आवाज़ आएगा, ये देखिए ये जो आवाज़ आया ना, ये सॉफ्ट स्टार्टर की जो रिले है, इस रिले का, फिर से मैं लाइन दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं एकदम फ्लैक्चुएट नहीं मारेगा, नॉर्मली ओपन होगा। ये दे दिया मैं, ये देखो ओपन हो गया है। ठीक है, तो सिस्टम यही होता है हमारे सॉफ्ट स्टार्टर का, फ्यूज़ भी लगा रखे हैं हमने, और इसके अंदर देखो यहाँ पर दो पैरेलल में रेक्टिफायर लगा हुआ है, सो ये गर्म बहुत कम होगा। ठीक है, गर्म नहीं होगा ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये दो मल्टीमीटर लगा रखे हैं हम, ये स्पीकर आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए है, और ये इनपुट जो डीसी वोल्टेज है हमारी एम्पलीफायर के अंदर आ रहा है वो मेज़र करने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम मोबाइल लगा रखे हैं,
और स्पीकर की आउटपुट से हम ये वाला पोर्ट लगा रखे हैं मल्टीमीटर का, और ग्राउंड के अंदर वहाँ पर आपको लगा हुआ देख रहा है आपको, ठीक है। और ये हमारा मॉड्यूल ट्रांजिस्टर 4952 से लगा रखे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए है, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्रांजिस्टर है, ये आप परचेज कर सकते हैं और काम भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। इससे भी एक बढ़िया ट्रांजिस्टर है मेरे पास जो कि है 180 रुपये पेयर, ठीक है, वो मेड इन जापान ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और रजिस्टर्स आप देख सकते हैं सारी यहाँ पर HDR की लगा रखे हैं हमने, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट कंपनी, ये देखिए, ये जो स्टार्ट कंपनी है, इससे इसके बाद जो रजिस्टर्स आता है ये सबसे टॉप होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये HDR, ठीक है, स्टार्ट के नीचे HDR है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूल बना है। तो चलिए हम साउंड प्ले करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं, क्या आवाज़ कैसा आ रहा है। और यहाँ पर हम लगा रखे हैं मिक्सर। तो गाइज हम इस एम्पलीफायर के अंदर लोड दे चुके हैं 1000 वाट, ठीक है, जो कि और भी काफ़ी ज़्यादा लोड ले सकता है ये, तो इतना लोड मेरे पास है नहीं, तो वो भी दिन आएगा कि पूरा लोड देकर हम चेक करेंगे। और आपको पता ही है हम पूरा लोड देने की कोशिश करते हैं हर एक एम्पलीफायर के अंदर। तो प्ले करते हैं गाना को, ठीक है, ये प्ले कर दिया, देखिए। Oh.
सो गाइस, आपका लाइक कमेंट शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है? तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना। अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे आप लोगों की यही लाइक कमेंट शेयर की वजह से, ठीक है? हमें अच्छा लगता है गाइस, तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लेना चैनल को, और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम इस चैनल के अंदर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।